समाजवादी पार्टी ने भी एक माफियाओं की लिस्ट जारी की थी, जहां तक याद आता है, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। आप लोग मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं मानते या फिर कुछ वो ठीक आदमी है? समाजवादी पार्टी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। हाँ, ये तो सरकार ने लिस्ट जारी की है। हाँ, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी माफिया हो उस पर एक जैसी कार्रवाई हो, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसको आपने आज अपराध मुक्त कर दिया उसको ऊपर भेज करके कृष्णा कैसे साबित करोगे कि वो माफिया है? अगर 123 मुकदमे में वो दोषी होता तो समझ में आता। आपने एक उस मुकदमे में दोषी करार कराया जिसमें अपराध दोषी नहीं है। ठीक है, कृष्णानंद राय के बेटे हमारे साथ है, पीयूष राय। गोली मार रहा था। ठीक है, मुख्य अभियुक्त आ जाएंगे, आ जाए राघवेंद्र जी, पूरा मौका देंगे, आप अपनी बात रख लीजिएगा, बाकी मेहमानों की बात आ जाए। उपाध्याय जी भी वेट कर रहे हैं और यहाँ पर पीयूष राय जी भी वेट कर रहे हैं। पीयूष राय जी, कल अब फैसले का दिन है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस प्रदेश के मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका स्वतंत्र एक संस्था है जी। जो मामला उसमें सब जुडिस है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना एक जिम्मेवारी वाली बात नहीं रहेगी, मगर मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी के घटना हुए 18 साल हो गए और 18 साल से एक न्याय की उम्मीद में हम लगे हुए ज़रूर हैं और भरोसा भी है कि हमें इस न्यायपालिका से ज़रूर एक न एक दिन न्याय मिलेगा। और मेरा एक व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि मुख्तार अंसारी हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, अपराधियों का या माफियाओं का कोई जात धर्म या मजहब नहीं है, ये माफिया हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि जात धर्म देख के ही अपना काला साम्राज्य खड़ा किया है। इन लोगों ने हर जात धर्म के एक गरीब और साधारण व्यक्ति को लूटा है, उन्हें परेशान किया है, उनकी हत्या करवाई है और अपना काला साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। और मेरा मानना है कि इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं, कि चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, ऐसे गुंडों को जो परिश्रय दिया है, इनके मनोबल को जो ऊंचा किया है, आज उसी का नतीजा है कि इन माफियाओं का मन इतना बढ़ चुका था। और मेरा मानना है कि जब से 2017 के बाद से पूजनीय महाराज जी का आना हुआ, 18 साल हो गए हैं, आप इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय आज जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करते हुए इस प्रदेश से भयमुक्त समाज देने का काम किया है। ठीक है, रहिए सर, रहिए 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 पीयूष जी हमारे साथ, कपीश जी से इसका काउंटर जरूर लेंगे। 18 साल हो गए कपीश जी, आज तक न्याय नहीं मिला। आप तो खैर वकालत अच्छी तरीके से जानते हैं और लड़ते भी हैं अलग अलग केस, लेकिन आता हूं मैं आपके पास, उपाध्याय जी के पास चलेंगे। विजय उपाध्याय जी, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बन जाता है जब भी चुनाव में आते हैं। 22 का चुनाव भी हमने देखा, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, और उससे पहले 17 का चुनाव भी हमने देखा, कानून व्यवस्था, और जब भी सपा की सरकार रही उसमें मायावती भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती रही है, और अब ये निकाय चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां माफिया तंत्र ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली थी कि उसको उखाड़ते उखाड़ते पसीने छूट रहे हैं। इतनी जबरदस्त तरीके से इनका नेटवर्क है, हजारों करोड़ की संपत्ति इनके पास है, मतलब इंडस्ट्री चलाने से बेहतर इन लोगों ने क्राइम करना अच्छा समझा और क्राइम से इन्होंने बहुत पैसे बनाए। तो ये जो माफियाओं का दबदबा है, जो इनका पैरेलल गवर्नमेंट का सिस्टम है, ज्यादातर वो किसी ने कहा था कि भाई हर जिले में हर जिले के एक उत्पाद की जो स्कीम शुरू की योगी सरकार ने, पहले कहा जाता था कि हर जिले से एक माफिया का उत्पादन होता था और एक माफिया का अपना सिस्टम बना हुआ था। देखिए, कृष्णानंद राय हत्याकांड बहुत महत्वपूर्ण है, उनके पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी इनके साथ बहुत हार्दिक संवेदना है। 70 गवाह थे और इनसे पूछ कितने गवाह इसमें मुकर गए जी, और सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया जी। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, कपीश जी एडवोकेट हैं, न्यायपालिका न्याय कैसे देगी? राजू पाल हत्याकांड में 13 गवाह 2007 तक मुकर चुके थे, 13 गवाह, जिसमें उमेश पाल भी था, जबरन उसको ले जाके अपहरण करके उससे साइन करा के कोर्ट में एफिडेविट डलवा दिया गया था। तो इस तरह से आप एक तरफ कहेंगे आप कानून से न्याय लीजिए, दूसरी तरफ कानून तक गवाह पहुंचने ही नहीं देंगे, तो ये दोनों चित भी आपकी पट भी आपकी, ये नहीं चलेगा। इसीलिए
कोई भी पार्टी जब कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाती है तो कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। आप माफिया को अगर संरक्षण दिए हैं अतीत में तो आपको उसकी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की और अखिलेश यादव के पहले की समाजवादी पार्टी में बहुत गहरा फर्क करता हूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और जो पहले की समाजवादी पार्टी थी, निश्चित तौर पे उस दरमियान अपराधियों ने गवाहों को तोड़ने में भरपूर भूमिका निभाई और केसेस को कमजोर कर दिया। मुश्किल क्या है कि न्यायपालिका की आंख पे पट्टी है और गवाह वहां जाके सबूत बनते हैं, गवाह पहुंचने नहीं देंगे, गवाहों की हत्या हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल विजय उपाध्याय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और जो गवाहों की गिनती आपने गिनाई है, 13 गवाह मुकर गए, 17 गवाह मुकर गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। बोलिए कपीर जी, बोलिए, आप ही के पास आ रहा था, आप ही को मौका दे रहा था, बोलिए। नहीं बिल्कुल, अब मैं विजय जी का कामाबाई फुल स्टॉप आंसर दे देता हूं। 18 साल से अगर कोई केस का विचारण चल रहा है जिसमें इतने लोगों ने गवाही नहीं दी, तो उस दरमियान आप देखें, 18 साल में कल्याण सिंह जी की और राजनाथ सिंह साहब की भी सरकारें चली हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकारें चली हैं, और 6 साल इनकी योगी आदित्यनाथ जी की भी चल रही है। तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति, एक विशेष को आप नहीं कह सकते। और मैं दूसरी बात, मैं तो आपसे कपीर जी ये कह रहा हूँ कि अगर मायावती नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे, आपकी सरकार भी नहीं करेगी, कल्याण सिंह की सरकार नहीं करेगी तो आपकी सरकार भी नहीं करेगी। देखिए फिर आपने, अब मैं तो आपसे पूछूंगा ना भाई, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ना ना ना, नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। माननीय न्यायालय के समक्ष अगर चार्जशीट में किसी गवाह का नाम गया है तो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि सरकारों ने जिस समय में ये अन्वेषण हुआ है और चार्जशीट लगी है, किसी किस्म का कोई रोल ऐसा नहीं निभाया कि इनका नाम निकाल दिया जाए। वरना अगर सरकार फेवर ना करे तो चार्जशीट में इनके नाम ही नहीं आएंगे गवाहों के, जो मैं चूंकि ट्रायल कराता हूं इसलिए जान रहा हूं और इसलिए आपको कह रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और मेरे पैनल में बैठे हुए सारे लोगों में से कुछ हमको लोग दुरुस्त कर देंगे जी। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे अशरफ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम बड़े नेता और सारे लोगों ने, और यहां तक कि एफआईआर के अंदर भी यह बात आई है कि राजू पाल की हत्या अशरफ ने सड़क पर दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा करके गोली मारी थी, और ये अतीक अहमद के कहने पर मांगी थी, उनके उकसावे पर मांगी थी, और षड्यंत्र की धारा से अतीक अहमद उसके अंदर मुलजिम थे, लेकिन मुख्य मुलजिम कौन था? अशरफ। और उसी को और टिकट दिया था क्या आप लोगों ने? उमेश पाल जी की गवाही 2016, मैं तो केवल पूछ रहा हूँ कि अशरफ को आप लोगों ने टिकट दिया था क्या उसके बाद? लीजिए पूरी बात, टोक देंगे तो टोक देंगे तो मेरिट की बात नहीं आ पाएगी। चलिए मेरिट की बात भी कर लीजिए, अधिवक्ता कह रहा हूँ आपको बातें, मेरिट की बात कह रहा हूँ आपको, इतने लोग बैठे मुझे सही कर देंगे बाद में। मैं आपको कह रहा हूँ 2016 में उमेश पाल जी की गवाही समाप्त हो चुकी थी, इस केस में अब उनकी कोई गवाही नहीं आनी थी, उनका मर्डर क्यों हुआ? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इक्विटल अशरफ कैसे कर गया जो मुख्य अभियुक्त था, और अगर मुख्य अभियुक्त को इक्विटल मिल गया तो 120 बी को कैसे आपने साबित कर दिया? ये बहुत बड़ा चीज जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, मैंने 24 साल इस विधि के अंदर ट्रायल कराए हैं और मेरे ट्रायल मेरे सर से बाहर हो चुका है। हाँ। कोई मुझे बतावे कि ये कैसे हो सकता है? पीयूष राय कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी बातें सुनकर, आपने जो टेक्निकल बातें समझाने की कोशिश की है उसका एक एक करके जवाब भी ले लेते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है लेकिन मैं जवाब लेकर जरूर जाऊंगा। पीयूष जी जल्दी आ रहा हूँ, उपाध्याय जी आ रहा हूँ, पीयूष जी कुछ कहना, बोलिए राय साहब बोलिए जी। अभी अभी जो माननीय इसमें जो सदस्य बोल रहे थे, पहली बात, जब मेरे पिताजी की घटना हुई सन 2005 में, उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी जी। अगर उनके इरादे नेक थे, अगर उनके दृढ़ निश्चय था इन अपराधियों के खिलाफ, इनके खात्मे के खिलाफ, हमारा एक छोटा सा मांग था कि सीबीआई जांच हो जाए। आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक परिवार का जब मुखिया चला जाता है, और उसका जो मेरी उम्र थी उस समय 17 साल थी, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा सीबीआई जांच कराने के लिए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया तब जाके सीबीआई भी कोई कभी भी कोई टेक्निकल इशू ले आएंगे और कोर्ट का बताएंगे, धाराएं बताने लगेंगे कि उसमें ये दिक्कत थी तो उसमें वो दिक्कत थी, इसलिए सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं हो सकती थी।